घर में वो एक अठैया वो करुणा वाली मास्क रखे का मास्क दूर हो पहले अरे गैप करके बात करो बताओ वो दादा पूरी बात तो सुन लो हमें कछु ना भाव है हमें कछु नहीं भाव यार हम मास्क को मतलब जो है कि हमें वो मास्क लगा के जाने आने में आसानी हो जाएगी हमें घबराहट हो रही है कि हम अगर ऐसे ही गए हो लोगों ने हमें पहचान लो सारे भीड़ को रे लगा के हमारा मुंह कारू ना कर दी हम सोच रहे हम कान पक गए हैं गद्दार को पोता सुन सुन के जय किला ने पूछ रहे तुम तक ये लगा रही हमारा मनोबल गिरा रही सॉरी सॉरी हमें बुरू लग गो सॉरी सॉरी बात तो तुम ठीक कह रहे हो दरोगा जी हमारो भी समझ में कछु नहीं आ रहा एक काम करो तुम ना अपने दादाजी बदल लो तुम्हारा दिमाग खराब है दादाजी ना हो गए सारो फोन हो गो आज खराब हो गो कल दूसरा मॉडल ले आओ कैसी बातें कर रही तुम जी दादाजी बदल लो हमारी तो छोड़ो ससुर बेनी तक को ना छोड़ो बाको मुंह कारो कर दो बेनी को छोड़ो हमारे पापा को नहीं देखो ते गोरे चिट्टे आदमी उनकी पापा गोरे चिट्टे तुम्हारे हाँ मतलब हमारा मतलब बेनी जितने नहीं है पर गोरे चिट्टे हैं तो सही है लोगों ने उनका मुंह भी ऐसे काला करके धोच दो कि काला रंग छुड़ाते छुड़ाते साबुन जो है कोयला जैसा होगा अरे ऐसे का परेड चल रही है का जो लाइन लगा के आ रही हो का है रातों की नींद सुबह का चैन शाम का सुकून सब कुछ छिन चुका है पापा जो कौन सी फिल्म को डायलॉग बोल लो नहीं नहीं बापू एक सेकंड मेरी बात सुन तो पहले इन सब का छोड़ मरने तो हरियाणवी पुलिस में भर्ती होना है ना अगर किसी को पता चलेगा मैं गद्दार की फैमिली से हूँ कौन भर्ती करेगा मुझे पुलिस में कौन करेगा बात कर रही गद्दार की फैमिली ऐसा है बेटा मलाइका परिवार ना परिवार होता है ठीक है आई बड़ी वकालत करने जब भी परिवार कोई मुसीबत में हो ना तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए एक तुम्हारे पापा है तुम नमनो ठैया को अपना 18 हाथ 18 दिमाग मानते हैं अजय तुम हो गद्दार की फैमिली से शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी बात करते हुए ओके मदर यू आर राइट बट मी नीडिंग टू फाइंडिंग द वे आउट ऑफ इट अदरवाइज ऑल पीपलिंग सेइंग आवर फैमिली डिसऑनेस्ट ए पीपलिंग हिंदी में बोलो नहीं नहीं इस बार मैं समझ गया ये कहना चाह रही है कि हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे राइट दीदी करेक्ट ये बात हमारी भी समझ में आ रही दरोगा जी सही कह रहो सही कह रहो हमने जो सोची कि हम अफीम कोठी में ना बम रखवा देंगे कैसी कही मम्मी श्रीवास्तव सरनेम कैसा रहेगा अरे ते हम आइडिया दे रहे तू श्रीवास्तव के खानदान में काहे घुस रही क्योंकि हमें आपका आइडिया बहुत घटिया लगा इसलिए अरे तो पूरे सुन तो ले पहले लड्डू से गपा कर रही है हमने जो बम रखवा दे मतलब होगा काम पूरे सुनो ही नहीं अरे सुनो। बहनी से हमने बात कर ली है हम बहनी से कहेंगे अफीम कोठी में बम रखे और फिर जब वो बम रख देगो तो वो फटेगो नहीं वो होगो नकली बम दरोगा हप्पू सिंह बन के हम जाएंगे पूरे सारे लोगन के बीच में मोहल्ला वोल्ला हल्ला मच जाएगा शहर में हम बम को निकाल के सबके सामने पटने से पहले हाँ। हमने पकड़ लो हल्ला हो जाएगा ना शहर में दरोगा हप्पू सिंह बहादुरी को किस्सा हो जाएगा हाँ। फटेगो थोड़ी को नुकसान भी नहीं होगा अब बता कैसे कोई दादी अम्मा बन रही डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।